रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। कि क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, क्या है डेफिनेशन। देख क्लास, अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। क्या है, अगर एक हमारे पास बॉडी है उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हों, डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हों, लेकिन वो फिर भी क्या है रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तब हम क्या कहेंगे हमारी जो बॉडी है वो क्या है इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब देखिए क्लास, हमारे पास इक्विलिब्रियम की डिफरेंट टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। देखें फर्स्ट क्या है हमारे पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेकेंड है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए क्लास, हमारे पास फर्स्ट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब नाम से ही जाहिर है स्टैटिक मतलब साकिन, कि क्या है अ बॉडी एट रेस्ट विल बी कॉल्ड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि हमारी बॉडी टोटली एट रेस्ट पर हो, मूव ना कर रही हो, ना तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ना वेरिएबल वेलोसिटी से, तब हमारी जो बॉडी की कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी। एग्जाम्पल देखिए, अ बुक ऑन दी टेबल, कि क्या है हमारी जो बुक है टेबल के ऊपर पड़ी है वो किसकी कंडीशन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मीन टू से जो बुक का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन जो टेबल है उसकी फोर्स उसके ऊपर बुक के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड अप्लाई हो रही है। दोनों ही फोर्सेस क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है और हम क्या कहते हैं हमारी जो बुक है टेबल के ऊपर वो क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। सेकंड देखिए हमारे पास टाइप है इक्विलिब्रियम की डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए क्लास, डायनामिक का मतलब है कि कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, मीन टू से मोशन। तो देखिए क्लास डेफिनेशन, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब मूव कर रही होगी तब हम क्या कहेंगे हमारी जो बॉडी है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब देखिए क्लास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। एग्जांपल देखिए इसकी क्या है, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि क्या है हमारी जो कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, एक्सेलरेशन में चेंजिंग ना आ रही हो, वो किसी एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब देखिए क्लास, हमारे पास कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्लास, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी उनका सम क्या है हमारे पास जीरो है, वो क्या है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर प्लेन में टू फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, फोर्स अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस विल बी एफ ऑफ एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एफ ऑफ वाई। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी उन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब देखते हैं कि क्लास, प्लेन में हमारे पास क्या है फोर्सेज हैं। अब फोर्सेज टूवर्ड्स द राइट जो ले रहे हैं वो हम क्या लेंगे, तमाम के तमाम पॉजिटिव लेंगे, टूवर्ड्स द लेफ्ट जो ले रहे हैं वो फोर्सेज नेगेटिव लेंगे, टूवर्ड्स द अपवर्ड फोर्सेज हम क्या लेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेज हम क्या लेंगे नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर जो फोर्सेज अप्लाई हो रही होंगी उनका तमाम का सम क्या होगा, जीरो होगा। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन देखिए क्लास क्या है, सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जितने भी टॉर्क्स अप्लाई हो रहे होंगे उनका जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मैथमेटिकली से देखिए क्लास, ऐसे लिखते हैं सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्लास, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास क्या एक बॉडी है उसके एक पॉइंट पर हमारे पास फोर्सेज अप्लाई हो रही है, एक फोर्स एफ और दूसरी फोर्स एफ माइनस एफ। तो देखिए क्लास, दोनों ही फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, मीन टू से जो हम हमारा जो टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेंगे और जो हमारा होगा क्लॉकवाइज टॉर्क वो हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो देखिए क्लास, जो हमारा यहाँ पे इस बॉडी पर अप्लाई होने वाला जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, टोटल ज़ीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर अप्लाई होने वाला टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो होगा, वो क्या होगा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए क्लास, हम क्या कह सकते हैं कि हमारी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम की हालत में कब होगी। तो देखिए क्लास, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम,
ट्रांसलेशन से जाहिर है क्लास हमारी जो बॉडी है लीनियरली मूव कर रही है, लीनियर स्टेट या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। तो देखिए क्लास ये क्या डिस्क्राइब करता है, व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड एंड बॉडी हैज जीरो एक्सेलरेशन, कि क्या है अगर हमारी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है मीन टू से सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में है, मीन टू से वहाँ पर हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या है जीरो। तो देखिए क्लास अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, जब हमारा ए जीरो होगा मीन टू से लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मीन टू से उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज लग रही होंगी वो क्या होंगी जीरो होंगी। ये हमारी क्या है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब सेकेंड देखिए हमारे पास क्लास क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि क्या है व्हेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड एंड बॉडी हैज जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन, कि क्या है हमारी बॉडी कि जब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है मीन टू से उसके ऊपर अप्लाई होने वाले टॉर्क क्या है जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तब हम क्या कहेंगे हमारी बॉडी क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, कि हमारा वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है जीरो है। अब देखिए क्लास हमें रिलेशन का पता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, अब अल्फा हमारा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है, जब एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा तब हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा जो टॉर्क क्या है जीरो होगा, मीन टू से सम ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तब हम क्या कहेंगे हमारी बॉडी क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब देखिए क्लास हमारी बॉडी क्या है कंप्लीट इक्विलिब्रियम की हालत में कब होगी, अब देखिए क्लास हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा बोर्ड मार्कर है हम इसे यहाँ पे बैलेंस करते हैं, जब ये बैलेंस हो जाएगा मीन टू से इसके ऊपर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस क्या है जीरो है, लेकिन जब इसे बैलेंसिंग कंडीशन से हटाते हैं तो इसमें क्या हो जाती है रोटेशन पैदा हो जाती है, मीन टू से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो देखिए क्लास कंप्लीट इक्विलिब्रियम की हालत कब होगी, व्हेन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड देन बॉडी सेट टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कि क्या है फर्स्ट कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो मीन टू से सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो एंड सेकंड कंडीशन मीन टू से सम ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है कंप्लीट इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। दैट्स इट, थैंक यू।